हेलो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दो काफी इंपॉर्टेंट चीज। पहले तो बिग बिलियन डेट सेल कब आने वाली है, एंड सेकंड पांच ऐसे स्मार्टफोन जो कि 10,000 के अंदर में मिल जाएंगे आपको, जिनमें काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन है एंड एक काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। तो हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पे जो स्मार्टफोन है वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी F13। इस स्मार्टफोन में हमें एक IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि 6.6 इंचेस का एक फुल HD+ डिस्प्ले है, एंड इसमें कोई भी हाई रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल डिस्प्ले है। 50MP का मेन कैमरा प्लस 5MP का अल्ट्रा वाइड एंड एक 2MP का डेप्थ कैमरा मिलता है, एंड फ्रंट में 8MP का 6000mAh की बैटरी मिलती है जो कि काफी सही है, बट चार्जिंग उतनी ही धीमी 15W। Exynos 850 प्रोसेसर मिलता है जो कि काफी डेली यूजर्स के लिए सही होगा, आप इसमें काफी कम गेमिंग कर पाएंगे। ये स्मार्टफोन उनके लिए सजेस्ट है जो कि ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब को ज्यादा यूज करते हैं, उनके लिए काफी सही हो सकता है। एंड जो स्मार्टफोन नंबर 4 पे है उसका नाम है रेडमी 12, जिसमें कि हमें एक 6.79 इंचेस का काफी बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि 90 हर्ट्ज का है, एंड ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। इसके बैक में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP का मेन कैमरा प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड एक 2MP का डेप्थ कैमरा, फ्रंट में हमें 8MP का कैमरा मिलता है, 5000mAh की बैटरी मिलती है प्लस 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। इसमें हमें प्रोसेसर हेलियो का G88 मिलता है। ये फोन मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने छोटे भाई को देख सकते, जैसे कि वो अपनी स्टडी के लिए इसे काफी अच्छे से यूज कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने इस लिस्ट के थर्ड वाले स्मार्टफोन की, इसका नाम है Realme C55। इसमें 6.72 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, 64MP का मेन कैमरा मिलता है प्लस एक 2MP का डेप्थ सेंसर, एंड फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है, 5000mAh की बैटरी प्लस 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। एंड इस स्मार्टफोन में हमें MediaTek का Helio G88 प्रोसेसर मिलता है जो कि इस बजट में काफी अच्छा प्रोसेसर है, इसमें हम थोड़ा बहुत गेम भी खेल सकते हैं। तो हमारे इस लिस्ट का सेकंड नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो है पोको की तरफ से पोको M6 Pro 5G। इसकी जितनी तारीफ है उतनी कम है क्योंकि इसमें कुछ अच्छे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि और किसी स्मार्टफोन में नहीं मिलते हैं। 6.69 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज का, 50MP का मेन कैमरा मिलता है प्लस एक 2MP का डेप्थ सेंसर, 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है जिसकी फोटोज भी काफी अच्छी आती है, 5000mAh की बैटरी प्लस 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये इकलौता स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मिलता है। तो अब हम अपने इस लिस्ट के नंबर एक वाले स्मार्टफोन की बात करते हैं जो कि है मोटोरोला का G32 5G। ये फोन काफी ज्यादा हैंडी है क्योंकि इसमें हमें 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 90 हर्ट्ज का, 50MP का मेन कैमरा प्लस 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का एक डेप्थ कैमरा मिलता है, फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है जो कि और किसी भी स्मार्टफोन में नहीं था, 5000mAh की बैटरी प्लस 33W का फास्ट चार्जर भी मिलता है। इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर काफी अच्छा है, इसमें हमें स्नैपड्रैगन 680 मिलता है जो कि एक 5G प्रोसेसर है एंड काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी है। बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप सैमसंग गैलेक्सी F13 ले सकते हैं, परफॉर्मेंस चाहिए तो आप पोको M6 Pro 5G भी ले सकते हैं, एंड ये वाला मोटोरोला G32 भी ले सकते हैं जिसमें आप यूट्यूब एंड वीडियोस मूवी को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, बिग बिलियन डेट की डेट। तो हाँ, बिग बिलियन डेट का पोस्टर भी लग चुका है एंड सेल लाइव व्यूज, बट मेन सेल की डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। मेरे अकॉर्डिंग तो लगता है मुझे वो 3 या 5 अक्टूबर को सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो आप भी सेल में पार्टिसिपेट लें एंड कमेंट करके बताएं, एंड आप इस बार बिग बिलियन डेज में क्या लेने वाले हैं, आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बनाएं। यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।